टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद दिल्ली पहुंची वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। चानू के लिए लोगों ने भारत माता के जय के नारे भी लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेगासस के मुद्दे पर कोलकाता में राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ से रास्ते सील हैं, ऐसे ही सील होंगे, हम इसकी तैयारी करेंगे, ऐसा कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के बाढ़ से वाहनों को नुकसान हुआ और NH-48 भी प्रभावित हुआ है। वहीं कोल्हापुर के SP ने बताया कि कोल्हापुर के जिले में हमने अलग अलग जगहों से 42,000 लोगों के साथ पालतू जानवरों को भी बचाया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए। 64 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 857 रह गई है। वहीं रिकवरी 98.6% है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन आज से शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को बड़ी पंचायत करेंगे, वहां से बड़ी बैठकों की घोषणा भी होगी। पहले पूरे प्रदेश में हम 18 बड़ी पंचायतें करेंगे, उसके बाद जिलों में छोटी बैठक करेंगे। कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी दी है कि कुलगाम मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ अभी फिलहाल चल रही है।